अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं भी के अल्ताफ खान, चामराजपेट के ज़िम्मेदार हजरात और मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात और लोकल कारपोरेटर्स, लोकल लीडर्स, हर धर्म के लोगों के साथ बीजेट ज़मीर अहमद ख़ान साहब की सरपरस्ती के अंदर इसके इंचार्ज कम से कम पूरे 25 से 30 40 ज़िम्मेदार हजरात पूरे इंचार्ज लेकर हैं। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ये NRC और CA की बिल के बहारे में इंशाल्लाह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जजीज ईदगाह मैसूर रोड के अंदर इंशाल्लाह बड़ी तादाद के अंदर जुमा की नमाज़ के बाद 2 बजे से 4 बजे तक इंशाल्लाह इंतज़ाम होकर है। और उस दिन बहुत कम से कम हर धर्म के लोग, जैसे कि ये मज़हब पे मुस्लिम नहीं, ईसाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई, सबको साथ में लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इंशाल्लाह 25 से 30 हज़ार लोग जमा होंगे। इंशाल्लाह जो बाबा अम्बेडकर का संविधान ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं और हर धर्म को तकलीफ देना चाह रहे हैं, शांति जो हिंदुस्तान की हालात के ऊपर शांति जो करार थी वो शांति को निष्ठो नाबूद करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे धर्म के लोग मिलकर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे और अच्छे से अच्छी बातचीत भी होगी। और NRC और CA बिल के बारे में इंशाल्लाह कुछ लोग वो बारे में अच्छे से अच्छी बात भी करेंगे। ये पूरा मिलकर हर धर्म के लोग इंशाल्लाह बीजेट ज़मीर अहमद ख़ान हमारे भाई, हमारे चामराजपेट के MLA एक्स वज़ीर आला हैं, इनके साथ इनकी सरपरस्ती के अंदर पूरे हजरात को लेकर इंशाल्लाह प्रोग्राम सक्सेस करेंगे शांति और अमन के साथ। नौजवानों से सबसे अपील यही है, आजीज़ाना गुजारिश है हमारी, मतलब सभी ज़िम्मेदारों की आजीज़ाना गुजारिश समझो इसको, इत्मीनान प्यार मोहब्बत से जिस हिसाब से इस्लाम के कानून हैं सुकून और शांति के साथ करना है, इस हिसाब से अपील चाहते हैं हम हमारे छोटे भाई लोगों से और सरपरस्तों से, सबको समझा कर प्यार मोहब्बत से एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, यही हमारा इस्लाम सिखाता है। किस तरह से शरीक हों सर इस जुलूस में, इस प्रोटेस्ट में, मतलब किस तरह से तैयारी करके आए हैं? किस तरह से क्या भी नहीं, जैसा कि ये हमारे देश का झंडा होगा हमारे हाथ में, NRC के बारे में जो विरोध है इसको बैन करने का है, ये सभी प्रोटेस्ट के अंदर जो जो भी आएगा वो हिसाब से आएंगे इंशाल्लाह। कहाँ से जुलूस निकलेगा सर? गुरदली बस स्टॉप के से लेकर मोमिनपुरा के ईदगाह तक आएंगे। क्या पैदल चक्कर जाएंगे या बाइक रैली है या किस तरह? नहीं, बाइक रैली नहीं कर रहे हैं, पैदल जाएंगे इंशाल्लाह। पार्किंग का इंतजाम कहाँ? पार्किंग का इंतजाम इसके ईदगाह के बाजू में एक 4 एकड़ जगह है, इंशाल्लाह वहाँ भी है, कब्रस्तान के अंदर भी पार्किंग का इंतजाम है, इंशाल्लाह अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है सिर्फ ये चामराजपेट हलके के लोगों के लिए या पूरे बेंगलुरु के आवाम भी जमा हो रहे हैं? इंशाल्लाह सबको दावत दे रहे हैं, इंशाल्लाह कोई भी आकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये सियासत का फंक्शन नहीं है, चामराजपेट का फंक्शन नहीं है, देश की हालात के ऊपर ये फंक्शन किया जा रहा है। ये बिल जो पास कर रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो बिल पास करके हैं उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है, ये कभी नई बात नहीं है, पूरे देश में जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से हम भी कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह पूरे ज़िम्मेदारों से बातचीत होकर है, एक ही टाइम भी नमाज़ होगी इंशाल्लाह, एक ही टाइम मस्जिद से निकलेंगे बोलकर डिस्कस चला है, इंशाल्लाह कल फाइनल होगा, इंशाल्लाह 1:30 से 2 बजे के अंदर नमाज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में निकलेंगे इंशाल्लाह प्रोसेशन और जुलूस में।